Hello guys, you all are watching Siva Learning. You all can also visit us on www.sivalearning.in. So इस वीडियो में आपको महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की MBBS, BDS और अदर कोर्सेज की जो काउंसलिंग है उसके बारे में आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, हर कॉलेज की जो कट ऑफ वो बताई जाएगी, जो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट कॉलेज है, वो कट ऑफ बताई जाएगी। एवरी कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर बताई जाएगी, 85% कोटा का भी और 15% कोटा में कितनी सीटें हैं, क्या कट ऑफ है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, वो सारी डिटेल्स आपको दी जाएंगी। प्लस रजिस्ट्रेशन के डेट क्या है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के सेंटर क्या है, कहाँ कहाँ पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं, ये सारी डिटेल्स इस वीडियो में आपको A to Z वीडियो फॉर द महाराष्ट्र for 85% and 15% quota, okay? So it's just one request from you all, please watch the video till last. I hope you all will get some genuine information from this video, okay? So let's see. So these are the colleges which are deemed university, okay? And these are the locations and these are the established year, these are the intakes and these are the fee structure. आई थिंक हमें रीड नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ रीड करके देख सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आती है कि वहां पे जो दीज आर द डीम्ड यूनिवर्सिटी और ये जो प्राइवेट कॉलेज हैं, इनके फीस क्या है। तो ये लोकेशंस हैं, ये एस्टेब्लिश्ड ईयर हैं, ये इनटेक है और ये फीस स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि फीस स्ट्रक्चर काफी लो है, लेकिन फीस स्ट्रक्चर लो है उसी हिसाब से जो कट ऑफ होती है वो काफी हाई होती है 85% कोटा के लिए भी। सो कुछ मैं रीड कर दे रहा हूँ, जैसे SAPM मेडिकल कॉलेज है, धोले में है, 1990 एस्टेब्लिश है, 100 सीट, फीस है इनका 4,50,000 पर ईयर। सेम वे आप ये सारे कॉलेज देख सकते हैं, क्या स्ट्रक्चर है, क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या लोकेशन है, एस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है और इनटेक क्या है, उसी के हिसाब से आप अपने काउंसलिंग इनटेक के हिसाब से। और बहुत लोग प्रीफर करते हैं कि जो ओल्ड कॉलेज हैं उनमें जाएं, सो अकॉर्डिंग टू दैट आप चूज कर सकते हैं, ओके। रिमेनिंग थिंग्स, तो महाराष्ट्र में कुल मिलाकर गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं 23 और उनके कुल मिलाकर टोटल सीट्स है 3,110 और AIQ कोटा में है 464 सीट्स, GOI कोटा में है 15 सीट्स और 85% कोटा में है 2,631 सीट्स। तो चलिए दोस्तों हम जानकारी लेते हैं कॉलेजेस के बारे में। तो जो है हमारा पहला कॉलेज है वो है ग्रैंड MC मुंबई, ठीक है दोस्तों। इसमें कुल मिलाकर 200 सीट्स है, इसका रीजनल कट ऑफ मार्क्स है 544 मार्क्स और इसका स्टेट कट ऑफ मार्क्स है 570 मार्क्स। तो जो सेकंड कॉलेज है दोस्तों वो है LT MC मुंबई, इसमें 150 सीट्स है, रीजनल के लिए 556 मार्क्स, स्टेट के लिए 562 मार्क्स। तीसरा कॉलेज है GSMC मुंबई, इसमें 180 सीट्स है, रीजनल के लिए 590 मार्क्स और स्टेट के लिए 605 मार्क्स। उसके बाद आता है TNMC मुंबई, इसमें टोटल सीट्स है 120, रीजनल के लिए 552 मार्क्स और स्टेट के लिए 570 मार्क्स। इसके बाद आता है राजीव गांधी MC ठाणे कॉलेज, इसमें 60 सीट्स है, रीजनल के लिए 525 मार्क्स और स्टेट के लिए 530 मार्क्स। इसके बाद आता है दोस्तों BJMC पुणे, इसमें 200 सीट्स है और रीजनल के लिए चाहिए 555 मार्क्स और स्टेट के लिए 585 मार्क्स। इसके बाद आता है डॉक्टर VMMC सोलापुर कॉलेज, इसमें 150 सीट्स है, रीजनल के लिए 515 मार्क्स चाहिए और स्टेट के लिए चाहिए 517 मार्क्स। GMC मिराज, इसमें 150 सीट्स है, रीजनल के लिए 510 मार्क्स, स्टेट के लिए 515 मार्क्स। इसके बाद आता है दोस्तों SBHMC धुले कॉलेज, टोटल 100 सीट्स है जिसमें रीजनल के लिए चाहिए 505 मार्क्स और स्टेट के लिए चाहिए
सेम जीएसएम कोल्हापुर, इसमें 150 सीट्स, रीजनल के 510 और स्टेट के लिए 515 मार्क्स चाहिए। इसके बाद आता है एचबीटी एमसी जुहू मुंबई, इसमें 150 सीट्स है, रीजनल के 540 मार्क्स और स्टेट के लिए 545 मार्क्स। इसके बाद आता है दोस्तों जीएमसी जलगांव, जिसमें 100 सीट्स है और रीजनल के लिए 490 मार्क्स और स्टेट के लिए 495 मार्क्स। उसके बाद आता है दोस्तों जीएमसी नागपुर, जिसमें 200 सीट्स है, रीजनल के लिए चाहिए 500 मार्क्स और स्टेट के लिए चाहिए 505 मार्क्स। इसके बाद आता है दोस्तों कॉलेज है इंदिरा गांधी एमसी नागपुर, जिसमें कुल मिलाकर 150 सीट्स है और रीजनल के लिए 515 मार्क्स चाहिए और स्टेट के लिए 520 मार्क्स। से श्री वीएन जीएमसी, ये जो कॉलेज है इसमें 150 सीट्स है, रीजनल के लिए 500 मार्क्स, स्टेट के लिए 505 मार्क्स। इसके बाद है जीएमसी अकोला, इसमें 150 सीट्स है, इसमें रीजनल के लिए 500 मार्क्स और स्टेट के लिए 505 मार्क्स। इसके बाद आता है जीएमसी चंद्रपुर, इसमें टोटल है 100 सीट, रीजनल के लिए चाहिए 485 मार्क्स और स्टेट के लिए चाहिए 490 मार्क्स। इसके बाद आता है दोस्तों जो कॉलेज है वो है जीएमसी गोंदिया, इसमें टोटल 100 सीट्स है और इसमें रीजनल के लिए चाहिए 490 मार्क्स और स्टेट के लिए चाहिए 500 मार्क्स। इसके बाद आता है दोस्तों कॉलेज है MGIMS वर्धा, जिसमें टोटल 50 सीट्स है और 565 मार्क्स चाहिए। इसके बाद है जीएमसी औरंगाबाद, जिसमें टोटल 150 सीट्स, रीजनल है 530 मार्क्स और स्टेट के लिए है 530 मार्क्स। फिर आता है जीएमसी नांदेड़, जिसमें टोटल 100 सीट्स है, रीजनल के लिए चाहिए 500 मार्क्स और स्टेट के लिए चाहिए 505 मार्क्स। इसके बाद आता है SRTIMC अंबाजोगाई, इसमें 100 सीट्स है, रीजनल के लिए चाहिए 500 मार्क्स, स्टेट के लिए चाहिए 505 मार्क्स। उसके बाद आता है दोस्तों कॉलेज वो है जीएमसी लातूर, इसमें 150 सीट्स है, रीजनल के लिए चाहिए 500 मार्क्स और स्टेट के लिए चाहिए 505 मार्क्स। तो उसके बाद दोस्तों महाराष्ट्र में कुल मिलाकर प्राइवेट कॉलेजेस जो है, टोटल प्राइवेट कॉलेज 15 है, टोटल सीट 1700 है और 30% कोटा के लिए 450 सीट्स है, 70% कोटा के लिए 1025 सीट्स है और अदर कोटा के लिए 255 सीट्स है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं अभी फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। जैसे फ़ी स्ट्रक्चर देखा जाए, मेडिकल के लिए है 78,000 और उसका जो डेवलपमेंट फ़ी है 5,000 है, बाकी के लिए ये फ़ीस चेंज है। देन फिर उसके बाद देखा जाए तो एडमिशन फ़ी के लिए चाहिए है 1500 एट द एडमिशन टाइम, जिम खाना 500, हॉस्टल फ़ी 4000, लाइब्रेरी 2000 एंड 1000। रिलीज ऑफ द महाराष्ट्र MBBS एप्लीकेशन फॉर्म इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, सो इट विल नॉट कम इन द फर्स्ट वीक ऑफ द जून, इट विल कम अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 June, सो बी एक्टिव, दिस इज द अप्रोक्सीमेटेड डेट। बट आप लोग को एक्टिव रहना है कि कब आएगा, कहीं बहुत सारे लोगों का जैसे रजिस्ट्रेशन कीम का छोड़ गया, जैसे केरल का रजिस्ट्रेशन बहुत लोगों ने छोड़ दिया है, बट मे बी उसका पोर्टल बाद में ओपन हो, आफ्टर 5th June दे मे बी री ओपन द पोर्टल अगेन फॉर द रजिस्ट्रेशन, सो बी एक्टिव फॉर द महाराष्ट्र एंड स्पेशली फॉर द स्टेट पीपल बिकॉज द महाराष्ट्र इज नॉट द ओपन स्टेट, ओके। So, and the document verification is 4th week of the June, and these are the other things are there. We will explain about this later. Okay. And these are the mop-up round, declaration of the mop-up round ETC. These are the approximate date. Okay. Maharashtra MBBS PDS eligibility criteria jo hai, wo aapko criteria yahan se read kar lena hai, kya kya criteria hai. Okay. दूसरी बात है महाराष्ट्र MBBS PDS जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको आएगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वो फिलअप भी करना है, जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्हें तो उन्होंने CET फिलअप किया, ओके। अदर थिंग्स इज दैट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, क्या क्या ले जाना है, जैसे नीड टू रिलेटिव एडमिट कार्ड, मार्कशीट, रैंक कार्ड, फिटनेस, महाराष्ट्र MBBS application form, cost certificate, you see, these are the documents required. And what are the document verification center? These are the document verification center like Kran, Government Medical College, Vijay Government Medical College, Government Medical College Aurangabad and Government Medical College Nagpur. And these are the seat reservations, okay. So I hope you all can read this, okay. These are the seat reservations.
And now you have other things is that reservation for the SC, Buddhism, ETC, civil tribes, Vimukta, nomadic tribes and it true. These are the reservation in government colleges, okay, and reservations in private institutions, these are, okay. And other things is that Maharashtra MBBS, BTS merit list, and these are the cutoff. We will tell you later, aapko video ke last mein bataya jayega. And these are the government colleges with 85% state quota seats. What are the state quota seats are there? Total intake is there. Okay. So government medical college, these are given line by line. You can just read and go through it. Other things is that what are the private colleges? These are the private college like Vasantara Pawar. NRI management quota seat is 18 and total intake is 102. Okay. Regency is rest of Maharashtra. So same as other colleges are given, number of seats are given, and NRI quota management seats are also given. So you can go through it, okay. Vedanta is there, and Ashwini Rural Medical College, Ulas Patil, CPM College, Dhole. Now you have the dental government colleges. These are the dental government colleges. Total we have the 260 seats, and 85% state quota seats is 222. And remaining, now we come to the private dental colleges. These are the 85 seat, okay, state seat. NRI is 15. So you can check for the same as other college like Tena Dental College, 85, 15. 15 is for the NRI quota. And other colleges are there, you can go through it, okay.